बारे में पता चल गया है तो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। क्या मतलब ये हुआ कि वो लोग हर हालत में आज ही सुष्मिता को यहाँ से निकालना चाहते हैं? गोली वाली मासूम लड़कियों को बाहर भेज कर उनसे मनचाह काम करवाना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें कहीं भी किसी के हाथ में भी बेच देना, यही आपका असली कारोबार है मिस्टर सिंगल, जिसमें आपका साथ दे रहे हैं ग्रोवर मलिक सल्दाना एंड मिसेस अग्रवाल। मिस्टर ग्रोवर, आप लोगों के लिए यहाँ खत्म हो जाता है, हमारे पास आपके खिलाफ पक्का सबूत मौजूद है। अनीता, डोंट मूव। लेकिन सर 12 बजने में अभी काफी टाइम है, वैसे भी अनीता अगर लेट हो जाएगी तो वो टैक्सी से चली जाएगी। ओह टैक्सी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम यहाँ का ट्रैफिक को अच्छी तरह जानते हो, आधा से ज्यादा वक्त तो सिग्नल खा जाते हैं और अगर रास्ते में टैक्सी खराब हो गई तो टायर पंचर हो गया तो सर तो वो ट्रेन से चली जाएगी। ओहो ट्रेन 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 व्हाट ट्रेन, हैं ट्रेन 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 का कोई भरोसा है? हैं अगर एक्सीडेंट हो गया तो घंटों लेट, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो घंटों लेट, पब्लिक नाराज हो गई तो लेट, बारिश हो गई तो लेट, और इन सब से बच गए तो पावर फेलियर, मतलब ट्रेन ठप, आज चलोगे कल पहुंचोगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, कल ही एक ट्रेन के नीचे कुत्ता आ जाने की वजह से ट्रेन एक घंटे तक लेट हो गई थी। कुत्ते की वजह से? हाँ हाँ कुत्ते की वजह से। सुन लिया आपने जी, कुत्ते की वजह से ट्रेन लेट हो गई थी, इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ कहीं भी जाना हो आधा पौन घंटे पहले जाया करो। लेकिन आज की यंग जनरेशन इस बात को समझती ही कहाँ है, टाइम का वैल्यू कोई समझता ही नहीं। सर अनीता आती होगी, रास्ते में कहीं फंस गई होगी। सर आप परेशान मत होइए, आप अपने कैबिन में जाके बैठिए, जैसे अनीता आ जाएगी मैं उसको आपके पास भेज दूंगी। ओके यस सर, नरमी जेटले। ओके सर। यार विवेक पता नहीं ये भूतनाथ इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाता है, वैसे भी कॉन्फ्रेंस का टाइम तो शुरू होने वाली है, 12 बजे तो कहा है, समझो लंच के बाद ही शुरू होगी। विवेक फौरन अनीता का फोन लगाओ। यस सर। पता नहीं क्या होने वाला है, लड़की ने तो परेशान कर दिया है। चला ओ अनीता, वेयर आर यू? एक्सक्यूज मी, आ गई आप? कहाँ थी? यहाँ भूतनाथ और दिमाग खा रहा है, कहाँ गए नीता, कहाँ गए नीता? और
लेट मी टेक रेस्ट। फुर्सत है? नहीं। सांस लेने की भी फुर्सत है तुम्हें? नहीं। आज बीपी बहुत हाई है, मालूम है क्या पूछ रहा था? क्या कह रहा होगा? ये कह रहा होगा, वेरी जनीता, 10 बज रहे हैं, 12 बजे मीटिंग है, टैक्सी मिस हो गई तो, ट्रेन मिस हो गई तो, मैं पागल हो गया तो। ओ गॉड, चाहती हूं इससे पहले कि वो मुझे पागल कर दे। अरे हां विवेक, रिमेंबर कांडे जिसका केस में तुमने डिस्कस किया था? स्टील प्लांट वाला, राइट। अब तुमने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी। तुम्हारी वो बात थी बेसिर पैर की? नो सर, वो बेसिर पैर वाली बात का मैं ऐसा जबरदस्त प्रूफ लाई हूं कि तुम्हें भी उसके सर पैर नजर आने लगेंगे और अंदर बैठे मिस्टर भूतनाथ को भी। जस्ट वेट, आई एम कमिंग। ओ माय गॉड, मुझे भी इस बात का प्रूफ मिल चुका है कि तुम्हारे काम के आगे मेरे काम की कोई जरूरत नहीं। ऐसी बात है क्यों नहीं? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम 10 के बजाय 11 बजे क्यों दफ्तर आए थे? सर, पर अगर मैं उस आदमी का इंटरव्यू आज रिकॉर्ड नहीं करती तो मेरे हाथ नहीं लगता और मेरा आर्टिकल लेट हो जाता। वो तो क्या होता, नेक्स्ट इशू में छप जाता। नो सर, तब तो बहुत देर हो जाती सर। और सर, मुझे मालूम है इस स्कूप के पीछे बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट लगे हुए हैं। पर एक आदमी के इंटरव्यू में इतना वक्त लगता है? आप सुबह 8 के निकले हुए हैं, एंड यू नो व्हाट द टाइम इज, इट्स मोर देन 11। है कोई जवाब इसका आपके पास? यस सर, सर इंटरव्यू के बाद मैं फोटोज कलेक्ट करने गई, उसके बाद मैं वर्मा एंड वर्मा इंडस्ट्रीज, चंदानी इंडस्ट्रीज, सिंघानिया इंडस्ट्रीज, सभी की टेंडर कॉपीज कलेक्ट करने गई। बस यही तो मुसीबत है तुम्हारे साथ, तुम सारा काम एक साथ करना चाहती हो, चाहे दूसरे इंपॉर्टेंट काम कितने भी लेट क्यों ना हो जाए। अब बताओ मैं कब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर तुमसे डिस्कस करूंगा और कब तुम वहां पहुंचोगी? सर, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैटर में रास्ते बनने पड़ेंगे और अगर कोई कंफ्यूजन हो आप सकते हैं तो उसे डिस्कस करेंगे। ओके ओके, देखो इसमें मिस्टर अब्दुल के प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स रखे हुए हैं जिसके लिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। अब फटाफट वहां पहुंच जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पहुंचने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाए। ओह गुड मॉर्निंग सर। बट सर। ओह नो, बट प्लीज गो, हरी अप। ओह हो, लेकिन तुम जाना नहीं, मेरी वेट करना, मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है इसके ऊपर। बाय बाय एवरीबॉडी, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, चलो भैया चलो। जल्दी करो, हरी अप। ओह ओह, क्या होगा पता नहीं, प्लीज जो प्लीज हरी अप हरी अप। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 में लेट। क्या कहते हो मेरी अचीवमेंट्स के बारे में? तुमने मेहनत तो की है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। काफी इंपॉर्टेंट क्लूज भी जमा किए हैं। बट व्हाट, क्या तुम्हें अभी भी डाउट है? यस। क्या कह रहे हो तुम विवेक? पांडे में एक्सपोज करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत है? मैंने ये जो डेटा, ये इंटरव्यू, ये फोटोग्राफ्स जो कलेक्ट किए हैं, क्या ये प्रूव नहीं करते कि पांडे ने स्टील प्लांट के लिए पैसे खिलाए? मैं इससे कब इनकार कर रहा हूँ? तो क्या कह रहे हो तुम विवेक? आई कांट अंडरस्टैंड यू। उसने अपने इंटरव्यू में साफ एक्सेप्ट किया है कि उसने स्टील प्लांट के लिए पैसे खिलाए हैं। लेकिन उसके इंटरव्यू में ये कहां जाहिर होता है कि मोहंती ने पैसे खाए हैं? ओके, क्या ये पांडे और मोहंती के रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहते हैं? कहते हैं, लेकिन इनसे ये कहीं जाहिर नहीं होता कि पांडे ने मोहंती को रिश्वत दी। यू आर डम। ये मेरे टेंडर की एनालिटिकल स्टडी है, वर्मा एंड वर्मा इंडस्ट्रीज का टेंडर, 3.5 करोड़ कोट किया उसने, ये कोई और इंडस्ट्री 6 करोड़, ये 6.5 करोड़, ये सब रिजेक्ट हो गए। सिर्फ पांडे जिसने 9 करोड़ कोट किया था एक्सेप्ट हो गया,
किसने सब किया? मोहंती सब कुछ फेयर है ना? मोहंती ने पैसे नहीं खाए ना? अनिता जो कुछ तुम मुझे दिखा रही है वो सब सही है, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन मेरा ये कहना है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहीं जरा सी इनकम्प्लीट है, और जब तक इनकम्प्लीट है तुम्हारा ये दावा बेबुनियाद है। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। कैसे बेबुनियाद? एक्सप्लेन इट टू मी। आई जस्ट फिनिश्ड टेलिंग यू दैट। नो, यू हैव नॉट विवेक। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हो, एंड रियलिटी इज दिस, यू आर जेलस ऑफ मी। तुम मेरे से जलते हो। सब तब रियलिटी विवेक, तभी तो मेरे हर काम में नुक्ता चीनी करते हो। तुम क्या समझते हो? मैं कुछ जानती नहीं, मैं सब समझती हूँ। तुम मेरे से जलते हो क्योंकि मेरे आर्टिकल छापे जाते हैं, मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। विवेक, मैं ये आर्टिकल भी छापूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। क्या हुआ अनीता? अनीता क्या हुआ? कहाँ तक पड़ी? राम सिंह देखना पानी लेकर आओ। कैसा कितनी तकलीफ हो रही ना? क्या हुआ मैडम को? पेट में तकलीफ हो रही है। साहब मैडम की हालत बिगड़ती जा रही है, आप इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। नीता कुछ करो प्लीज। सुनो सुनो सुनो, परेश को फोन करके आता हूँ। विवेक हेलो, एमआरपी हॉस्पिटल। फोन करो वहां डॉक्टर नीलेश होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो रिसर्च है तो मैं आगे फॉरन। जी ठीक है सर।
All right, all right. Okay, Anita. Anita, back to the doctor, Anita. मेरे साथ एक पेशेंट उसकी हालत बहुत खराब है। पेशेंट का नाम? अनीता। पूरा नाम? अनीता सिंह। एज? 26-27 साल। देखिए एक जवाब दीजिए, 26 या 27? मैडम ये फॉर्मेलिटी बाद में कर सकते हैं, उसकी हालत बहुत खराब है, बाहर गाड़ियों पड़ी हुई है सिनेमा जैसी। लेकिन ये फॉर्मेलिटीज पूरी किए बिना हम किसी पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। करिए जल्दी करिए। पेशेंट की उम्र? 27 साल। आपका रिलेशन? रिलेशन दोस्त है मेरी, चीज़ तो नहीं बताएंगे और कुछ। हुआ क्या है उनको? हुआ क्या है? अरे अगर मुझे मालूम होता क्या हुआ तो यहाँ तो लेके आता उसे, इसलिए तो मैं यहाँ लेकर आया उसे। ठीक है आप बैठ जाइए, मैं अभी बुलाती हूँ आप। देखिए मैडम मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है। लेकिन इस तरह मेरे सिर पे खड़े रहने से काम जल्दी तो नहीं हो जाएगा, मुझे भी देखना पड़ेगा, नर्स का इंतजाम करना पड़ेगा, वार्ड बॉय का इंतजाम करना पड़ेगा। आप बैठ जाइए। आप कमाल करती हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या बात है? देखिए मेरा नाम विवेक है, मैं डॉक्टर नीलेश का दोस्त हूं। मेरी दोस्त बाहर गाड़ी में पड़ी हुई है, उसकी हालत खराब हो रही है और ये मैडम है कि कागजी कार्रवाई करने में लगी हुई है। ओके ओके कूल डाउन नर्स, यू सेंड द स्ट्रेचर इमीडिएटली एंड यू टेक मी टू द पेशेंट, कम ऑन प्लीज कम। अनीता, अनीता, excuse me, डॉक्टर। कुछ नहीं हुआ था, ये खड़ी हुई थी और अचानक कुछ चक्कर आया, मैंने कुर्सी पे बैठा दिया, पेन किलर दिया और लेटा दिया बस। अच्छा, पेन किलर से कुछ आराम मिला था उसे? नहीं। श्योर? क्या नर्स, आप फॉरन ओटी रेडी करवाइए, आई कॉल द एनेस्थेटिस्ट। ओके। ऑपरेशन करना पड़ेगा? एनीथिंग सीरियस डॉक्टर? आई सस्पेक्ट परफोरेटेड अपेंडिक्स, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पहले मैं कंफर्म कर लेना चाहता हूँ। बाय द वे मिस्टर विवेक, पेशेंट के ब्लड ग्रुप क्या है? आई डोंट नो डॉक्टर। ओके नर्स, send the patient for blood grouping and routine baseline investigation. Start. Okay, doctor. हाँ, और उसके बाद patient के abdomen का X-ray, lateral shoot to निकल भाई। मुझे लगता है it's a case of frank peritonitis. तो फिर मैं लगाश करवा दूँ? नहीं नहीं, पहले आप X-ray के weight आने दो, फिर हम decide करेंगे। Okay, doctor. और हाँ, don't forget, blood grouping के साथ साथ serum electrolyte test भी करवा लेना। Yes, doctor. Okay. Yes. Come with me. पहले भी patient की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर एक बार पहले कभी ऐसा दर्द हुआ तो मैंने पेन किलर दे दी, सबसाइड हो गया, इसलिए हम लोगों ने कभी सीरियसली इस बात को लिया ही नहीं। और पेशेंट ने भी इस बारे में पहले कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। वो तो अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि उसे कोई होश ही नहीं, कहते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब आप डॉक्टर के पास आते, और आप तो पढ़े लिखे लोग, अननेसेसरीली अपने इस केस को इमरजेंसी केस बना दिया। डॉक्टर वी वर्क अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, आज भी यही हुआ, हम लोग एक आर्टिकल पर डिस्कशन कर रहे थे, अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, मैंने दवाई दी, सब्साइड जब नहीं हुआ तो मैं फौरन उसको यहाँ ले आया। ठीक है नर्स, आप इनसे पेशेंट के डिटेल्स लेकर ऑपरेशन के पेपर्स तैयार करवाइए और डॉक्टर उर्वशी को फॉरन उनके पास भेजवा दीजिए। यस सर। प्लीज भेजिए डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आइए।
आप पेशेंट के साथ हैं जी? अच्छा, ये पेपर्स साइन करके भर के जल्दी से दीजिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ तो लिखा है कि पेशेंट के रिलेटिव को साइन करना। तो क्या आप पेशेंट के रिलेटिव नहीं हैं? जी जी नहीं, मैं दोस्त हूँ उनका, कलीग, हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो फिर आप पेशेंट के किसी क्लोज रिलेटिव को बुलवाइए, इसमें पेपर्स भरकर उनके सिग्नेचर करवाइए, वरना ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं हूँ ना, मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से काम नहीं चलेगा, इस पर पेशेंट के किसी रिलेटिव का ही साइन होना जरूरी है। बट मैडम, आप जल्दी से पेशेंट के रिलेटिव को बुलवाइए, वरना ऑपरेशन में बिना बात की देरी होगी। मैडम प्लीज। अनीता का फौरन ऑपरेशन करना जरूरी है, मगर ऑपरेशन पेपर्स पर सिर्फ उसके रिलेटिव के ही साइन चल सकते हैं। क्या विवेक अनीता के भाई राकेश को सही समय पर बुला पाएगा? जानने के लिए देखिए अगले हफ्ते कवर स्टोरी हॉस्पिटल।